मूड को और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए, मूड को बिल्कुल ओपन रखिए, और जो भी आपके डिस्टरबेंस अगल बगल हैं उन सारी चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाइए। तो आज के जो स्पीकर हैं, थोड़ा सा हम परिचय दे दें। बाय प्रोफेशन इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैम इज ए हाउसवाइफ, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस बिजनेस को डेवलप करते हुए आज वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो हम आप सबकी मदद से इनवाइट करेंगे ऐसी पर्सनालिटी को ऑन द वर्चुअल स्टेज। तो प्लीज हैप्पी वेलकम टू इनवाइट मी टुडेज स्पीकर, ग्रेट स्पीकर मिस्टर स्वतंत्र कुमार जी। प्लीज हैप्पी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। रंजना जी, हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रंजना सिंह, हम अपने हस्बैंड के साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभी हमारे हस्बैंड स्वतंत्र जी आपको इतना अच्छा खूबसूरत बिजनेस प्लान दिखाएंगे, उसके बाद मेरा टॉपिक है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू रंजना जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है जो लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीट में हैं। साथ में श्री गोपाल जी को स्पेशल बधाई। और मैं आज यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो सबके सपनों को पूरा कर सकती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग को ओपन माइंड होके बैठना पड़ेगा अगले 25 से 30 मिनट। और मैं इस प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए एक पावर पॉइंट यूज करना चाहूँगा, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल तरीके से रन कर रहे हैं। जी जी आई थिंक मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियर कट दिख रही होगी। बार श्री गोपाल जी क्लियर जी कर दें। जी जी बिल्कुल सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड बैनर के नीचे आप सभी लोगों का स्वागत है। और जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही शानदार है, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर रही है। और हर अपॉर्चुनिटी को लेके हर एक इंसान के दिमाग में दो तरीके का माइंडसेट होता है, एक ऑप्टिमिस्टिक एंड एक पेसिमिस्टिक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसमें आप अच्छी चीजों को देखेंगे जिससे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सके, इसी के बेस में आगे बात करूंगा। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग लाइफ में कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, एक व्हाई ढूंढते हैं कि कोई काम हम क्यों करें। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो सकता है। वो क्या हो सकता है भाई, अगर उसको हम एक वर्ड में बोले तो उसको हम कह सकते हैं वो हमारे ड्रीम्स हो सकते हैं। ड्रीम्स क्या है, आवाज आ रही है? वो ड्रीम्स क्या है, वो अगर हम उसको पिक्चर के फॉर्मेट में देखें तो कुछ इस तरीके के हमारे ड्रीम्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक बड़ा घर हो सकता है, एक अच्छी कार हो सकती है, फॉरेन ट्रिप हो सकता है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो सकती है, फ्री टाइम हो सकता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं फैमिली को लेके, बहुत सारे चीजों को हम लोग प्लान करते हैं, पेरेंट्स केयर कर सकते हैं। तो ये सब सपने हैं जिनको हम लोग कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में हमारे चलते रहते हैं, जिनके बेसिस पे हम कोई ना कोई काम करते हैं। और सच बताऊं जब ड्रीम की बात आती है तो उसमें सबसे ज्यादा रोल या सबसे ज्यादा जो ड्रीम्स होते हैं वो किनके होते हैं, महिलाओं के। और बिना इमोशनल ड्रीम के कोई भी चीज स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ती है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि रंजना जी के पास क्या ड्रीम है जिसके बेस पे हम इसको आगे डेवलप कर पाए। तो रंजना जी थोड़ा सा आप जरूर बताएं कि क्या सपने आपके हैं। हेलो, अभी ये आपसे बात किए हैं सपने के बारे में, हम आपसे उसी सपनों के बारे में आपसे बात करेंगे। हम महिलाओं को ड्रीम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सपने देखते हैं और हम लोग में इतना मतलब
हौसला रखते हैं कि हम अपने सपने खुद पूरा कर सकते हैं। और ये बिजनेस है, अगर हम ये ऐसा बिजनेस है कि आप सपने देख के ही इससे पूरा कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसमें हमें लगता है कि हमें इस बिजनेस में और इसमें सपने भी हैं, हम सपने देखते हैं और पूरा होता है। जैसे एक छोटे सपने से हम शुरू करते हैं, ड्रीम से। अगर हम लोग का ड्रीम है कि घर में हमारे फ्रिज चाहिए, तो हम किसी न किसी तरह से वो फ्रिज लाते हैं। हमारा बचपन से ही है, अगर हमें जो सूट पसंद है 2000, अगर मार्केट में हम गए 2000 का है तो हम लेंगे। वो हमारा सपना ही है छोटा, और वो हम लेते हैं। हमारा बचपन से है कि जो भी हम सपने देखते हैं उसे पूरा करते हैं। हम महिलाओं का ड्रीम रहता है कि एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, और ये भी एक ड्रीम ही है कि मतलब एक अच्छा हमारे हस्बैंड हो, अच्छे हस्बैंड मिले। इस बिजनेस के थ्रू हमारे ये भी एक ड्रीम है। अगर आपके हस्बैंड इस बिजनेस में है, एक अच्छे पर्सनालिटी, एक अच्छे आदमी, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, हर चीज इसमें मिल सकता है। बस इसे आप एक ड्रीम बनाइए कि हम इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बस अड़िग रहिए अपने सपने को। पहले आप इसी से कुछ मत, गाड़ी घोड़ा कपड़ा कोई सपना मत देखिए, बस इस बिजनेस को लेके सपना आप देखिए कि इस बिजनेस को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं। आप बड़ा कर सकते हैं। और ड्रीम, हम लोग का ड्रीम रहता है कि मतलब ये जो बिजनेस है ड्रीम से ही जुड़ा। हम लोग का ड्रीम है कि हम लोग का घर रहे, अच्छा घर रहे, साफ सुथरा घर रहे। इसके इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप उसे यूज करिए, अच्छा रहेगा। थैंक यू। वो आपने देखा ना किस तरीके से आपको ये समझ में आया कि अगर ड्रीम रहता है तो उसी के बेस पे आदमी अपना काम करता है। तो ये तो था जो जिसके बेस पे इंसान काम करता है अपनी लाइफ में। देखें, अब थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं कि हम क्या बात आज आपसे करने वाले हैं, क्या पॉइंट हम आपके सामने कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, साथ में मनी फार्मूला के बारे में बात करेंगे। सेकेंड, पावर ऑफ द सिस्टम बेस्ड इनकम एंड लिमिटेशन इन एक्शन बेस्ड इनकम, क्या पोटेंशियल है अगर हम सिस्टम बेस्ड इनकम जनरेट कर दें तो। थर्ड, अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग है, और कैसे हम एक सिस्टम बेस्ड इनकम इससे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर फोर्थ की बात करें तो कौन सी कंपनी है और इसकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, इसके ओवरव्यू क्या है, ये सारी बात भी हम उसमें आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि बड़ा पैसा कहाँ है और उस पैसे को हम कैसे बना सकते हैं, जो बड़ा पैसा है उससे हम अपने लिए कैसे बना सकते हैं। तो ये हम 5 पॉइंट अभी आपके साथ बात करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं पैसे की। तो जब बात पैसे की आती है तो सबसे पहले हमें ये समझना तो होगा कि पैसा किस कंसेप्ट पे काम करता है, पैसा कहाँ रहता है, कैसे हमें उसके लिए प्लान करना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम थोड़ी सी बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि लीगल इनकम करने के सिर्फ 4 तरीके, और उसको भी अगर हम डिवाइड करें लेफ्ट एंड राइट में तो पता चलेगा कि ESBI, जिसमें से ई और एस जो है वो इनकम क्रिएशन का सेक्टर है, और आपका बी और आई क्या है, आपका एक एसेट क्रिएशन का है। एसेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वेरी सिंपल, कि आपने कुछ ऐसी चीजें बना दी जिसकी वजह से आपको इनकम आ रही है, अब आपको वहां पे लगना नहीं पड़ रहा। जस्ट लाइक एक हॉस्टल बना दिया, मैरिज लॉन बना दिया, या कोई बिजनेस डेवलप कर दिया, अब वहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अब अगर हम इसको और ब्रीफली देखें तो पता चलेगा कि दुनिया के जो एम्प्लॉय कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि टाइम डालना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा हमें पैसा बनाने के लिए, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पे छोटे मोटे बिजनेसेस स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वही चैलेंज है, नो वर्क नो मनी। ठीक है, जैसे लोग अपना शोरूम खोल दिए, या कोई डॉक्टर है अपना नर्सिंग होम खोल दिया, इस ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ये सब स्मॉल बिजनेस ओनर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अगर हम बिजनेस की बात करें तो किसको बोलते हैं, बिग बिजनेस, सिस्टम बेस्ड इनकम। इनके यहाँ क्या होता है, ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के लोग इनके लिए काम करते हैं। और जब इन्वेस्टर की बात आती है तो आपको पता चलेगा कि पैसा ही इनके लिए काम करता है। इस तरीके से ये 4 तरीके से इनकम लोग करते हैं। अब अगर हम इसको लेफ्ट राइट की जो मैं बात कर रहा था उसमें अगर डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा दुनिया के 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा।
और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा। अब आप खुद बताइए कि जहां पैसा ज्यादा है लोग कम है वहां रहना चाहिए, वहां हमारे सारे ड्रीम पूरे होंगे, या जहां पे लोग ज्यादा हैं और पैसा कम है, आप खुद डिसाइड करिए। तो यहां से इस चीज को देख के समझ में आता है कि अगर हमें अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो हमको लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। अगर हम इम्प्लॉई सेल्फ इम्प्लॉई कैटेगरी में हैं तो हमको बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में जाना पड़ेगा। अगर हम इनकम क्रिएशन सेक्टर में हैं तो हमको एसेट क्रिएशन सेक्टर में जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये राइट साइड वाले लोग काम करते हैं। उसको जब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि लेफ्ट साइड के लोग एक्टिव इनकम और इंडिविजुअल अकेला अकेले काम करते हैं और जब तक परफॉर्म करेंगे तब तक पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बट राइट साइड में क्या है, ये लोग पैसिव इनकम करते हैं, टीम क्रिएट करते हैं, टीम डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से इनको वहां पे इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ता है। सेकंड क्या है, यहाँ अभी क्लियर किया था हमने आपको, नो टाइम नो मनी, बट यहाँ पे क्या स्पेयर टाइम है। ये जो हम अपने ड्रीम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, फ्रीडम की बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने सपने को पूरे करेंगे, जब हम फ्री होंगे तभी तो उसको एंजॉय करने का कर पाएंगे। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी कवर किए हैं वो सारे के सारे, ये जो बुक आप देख रहे हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट कियोस्की, इन्होंने क्लियर कट इन्फॉर्म किया है, क्लियर कट उसमें बताया है, और ये खुद एक बिलियनियर है। अब हम बात करते हैं कि मनी का क्या रेट है, क्या फार्मूला है। तो हम सबको पता है कि आपके पास एक एजुकेशन होता है जिसके बेस पे आप क्या करते हैं, एक आपका रेट तय होता है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, कुछ इस तरीके से हो गए। अब क्या करेंगे, आप उसमें टाइम देंगे तो पैसा आएगा, और टाइम तो लिमिटेड है ये सब जानते हैं। और अगर हम रेट की बात करें तो रेट भी तो लिमिटेड है, रेट इन द सेंस अगर एक बार इंजीनियर हो गए तो दोबारा डॉक्टर नहीं हो सकते। इसका मतलब मनी क्या हो गया, लिमिटेड। अब आप खुद सोचिए, जब टाइम लिमिटेड है, रेट लिमिटेड है, तो आपका मनी भी लिमिटेड ही हो गया। लेकिन हमारे जो ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं वो किन से पूरे होंगे, अनलिमिटेड मनी से। राइट साइड वाले लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, टाइम कंपाउंड करते हैं। ये कहते हैं मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम हमने बढ़ाना सीख लिया तो हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, ह्यूज इनकम बना सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम कंपाउंड सिस्टम को ही ये सब सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी से। सिर्फ इसी की वजह से आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल बिजनेस में ढूंढते हैं, बट ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम कंपाउंड हो, आपके लिए लाखों घंटे काम हो, आपके लिए लाखों लोग काम करें, तो आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको सपोर्ट कर सकती है कि आप राइट आ सकते हैं। और अभी हम आपसे बात करेंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से हमको सक्सेसफुल बनाएगी। उसके पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सिस्टम बेस्ड इनकम और एक्शन बेस्ड इनकम। आप क्लियर कट देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सिस्टम लगा है, सिस्टम के थ्रू पैसा आ रहा है। उसके लिए फिर से हमको समझना पड़ेगा मनी फार्मूला। वेरी सिंपल, हम एक रेट होता है, उसको जितने टाइम यूज करते हैं उससे पैसा आता है। रेट कैसे डिसाइड होता है, आप एजुकेशन लेते हैं, स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, ये सारी की सारी चीजों से आपका क्या होता है, एक रेट डिसाइड होता है। आप इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब आप बनते हैं। लेकिन टाइम के पास क्या है, वो लिमिटेड है, रेट लिमिटेड है, इसलिए मनी। वेरी सिंपल, जो पहले हमने आपसे बात की थी लिमिटेड इनकम। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रेट को क्या कर रहे हैं, लिवरेज कर रहे हैं, लोगों को अपने लिए काम कर रहे हैं, लोग उनके लिए काम कर रहे हैं और उनका टाइम उनके लिए बढ़ रहा है। वो टाइम का लिवरेज कर रहे हैं, और जब टाइम का लिवरेज कर रहे हैं, जब उनके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या रेट भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है कि जब अनलिमिटेड टाइम हो जाएगा, अनलिमिटेड एफर्ट्स होने लगेंगे, तो आपके पास इनकम का क्या होगा, इनकम भी तो अनलिमिटेड हो जाएगी। तो अब यही मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये सब पॉसिबल हो सकता है सिर्फ नेटवर्क टेक्नोलॉजी से। केवल नेटवर्क टेक्नोलॉजी में ही आप लोगों के टाइम को, लोगों के रेट को आप वहां पे प्लान कर सकते हैं। और
इसी से लोग बिजनेसमैन, यही लोग बिजनेसमैन कहलाते हैं। जितने बड़े बिजनेसमैन आप देखते हैं सबके पास एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी, चाहे आप टाटा बिरला अंबानी किसी को भी उठा के देख लीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, बड़ा बनना है, तो आपको नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये था, और नेटवर्क टेक्नोलॉजी में अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। अब डायरेक्ट सेलिंग की जब बात आती है तो डायरेक्ट सेलिंग की जो वर्ल्ड की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसका नाम है एम्वे, जो लगभग 110 कंट्रीज में ऑलरेडी काम कर रही है, जिसके फाउंडर्स रिच डेवास और जेवान एंडल हैं। 1959 से स्टार्ट है। अब ये वर्ल्ड की नंबर वन है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं आपसे। अगर टर्नओवर की बात करें तो 80,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, 450 से ज्यादा खुद के प्रोडक्ट्स, डेट फ्री कंपनी है, इसमें कोई कर्जा नहीं है, इनके पास 1100 से ज्यादा पेटेंट्स है, अभी कुछ पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। इंडिया में ये 1998 में आए 6 प्रोडक्ट के साथ, आज 160 से ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे हैं। अब अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा ब्रीफ और करें, तो ये इनके प्रोडक्ट रेंज है जिसका आप पिक्चर्स देख रहे हैं, हर सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं। अब प्रोडक्ट के साथ क्या है कि ये केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, वर्ल्ड्स के नंबर वन प्रोडक्ट हैं, हाई क्वालिटी नंबर वन ब्रांड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है, उसके साथ साथ 100% मनी बैक गारंटी के साथ सारे के सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर पाओगे, जिससे आप इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के थ्रू आप अपने आप को एसेट बेस्ड इनकम में क्रिएट कर कन्वर्ट कर पाओगे। अब प्रोडक्ट रेंज की हम बात करें तो न्यूट्रिशन, वेलनेस, उसके बाद ब्यूटी, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, हर एक सेगमेंट का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कि न्यूट्रलाइट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में इस कोविड के दौरान इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन लोगों ने किया है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने यूज किया और बहुत सारे लोग इसको प्रमोट किए जब इसका एडवांटेज मिला। उसके साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम हो गया, अगर आप विदाउट ऑयल कुकिंग करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिलेगी, हर एक चीज यहाँ पे मिलेगी। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट मैं एक पॉइंट आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इनके प्रोडक्ट सब के सब वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, सब के सब वैल्यू फॉर मनी है, और अगर आप इनको यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस अभी तक मैं क्या कर रहा। तो ये थी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मैं आपसे बात कर रहा था। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमको पैसा मिल सकता है। हम सब जानते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, अगर हम एक कस्टमर हैं, अगर हम किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 रुपए में बनी थी, बट हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट, मिडिलमैन, ये सारी चीजों में खर्च हो रहा है, यहाँ पे पैसा जा रहा है। और आप ध्यान से देखो कि 60% पैसा कहाँ है, बीच में है, ये मिडिलमैन में है। अब आप सोचो जितना पैसा लोग बनाने में नहीं लगा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा बीच में है, ठीक। और इसको लोग देखे, जब इसको लोग देखे तो क्या किए, यहाँ पे लोग खेल शुरू हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा बिग बाजार, सुपरमार्केट, वॉलमार्ट, ये सब चीजें क्या है, सिंपल रिप्लेसमेंट है कि जो ये 60% पैसा है इसको इन्होंने रिप्लेस किया। अभी भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल रहा है, वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, अभी इसका एडवांटेज ले रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो गई। आप आज आप देख रहे हैं कि अमेजन वर्ल्ड की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग अमेजन जो है वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी हो गई है। ये बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को ट्रेंड के साथ ढाला। आज लोगों की डिमांड है, लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ आपको कुछ छूट दे रहे हैं, लेकिन कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, ये छोटा मोटा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बट मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि आप ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो जाएं, आप सर्विस प्रोवाइडर का भी रोल अदा करें और आपको इनकम अपॉर्चुनिटी का भी चांस मिले। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हैं, और ये मौका हमको देगी एम्वे। इसी के लिए हम एम्वे की बात कर रहे हैं, और यही अपॉर्चुनिटी भी है कि ये जो 60% है इसको आप सेव कर सकते हैं और अपने आप को कंज्यूमर से प्रोज्यूमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोज्यूमर का सीधा सिंपल हो गया मतलब हो गया कि एक समझदार खरीदार, उसको वही वो उसको ये पता चल गया कि एग्जैक्टली हम कहाँ से सामान लेंगे जिससे मुझे कुछ और प्रॉफिट हो सकते हैं या कहाँ से बिजनेस क्रिएट हो सकता है। तो
हमें क्या बनना है, एक लॉयल प्रोज्यूमर बनना, कंज्यूमर से प्रोज्यूमर की तरफ कन्वर्ट होना। तो ये था जो समझ में आया कि पैसा ह्यूज कहाँ है, पैसा बीच में है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि जब हम एमबे में आएंगे तो ये 60% हमें कैसे मिलेगा। वेरी सिंपल, यहाँ भी 35-40% आपको मैन्युफैक्चरिंग में चला गया, जीएसटी पे की जाएगी, उसके बाद आपको रिटेल प्रॉफिट डिस्काउंट मिलेगा, 8% कैशबैक मिलेगा, उसके बाद आपको 3-21% का बोनस मिलेगा और 11% का आपको लीडरशिप कमीशन मिलेगा। थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करते हैं, डिस्काउंट के बाद आपको ये 3-21% का जो स्लैब दिख रहा है ये हमको मिलेगा। ये क्या है, वेरी सिंपल, जब 20,000 का टर्नओवर होगा तो 3%, 60,000 का होगा 6%, ऐसे बढ़ते बढ़ते जिस दिन 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर होगा हमको 21% का बोनस मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि इससे हम पैसा कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि यस हम इस बिजनेस को डेवलप करेंगे, ये हम हैं। करना क्या होगा, हमको अपने एमबे के साथ केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, वेरी सिंपल, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या देना होगा। और हमको यहाँ पे स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके बिना हेल्प के आप इस बिजनेस के साथ रजिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, जो बैनर आपने पहले देखा था BWW, जिसके थ्रू हम सीखेंगे, समझेंगे और ये समझ में आएगा कि कैसे हम पैसे बना सकते हैं। और BWW में क्या, जैसे ये मीटिंग हो रही है, आपको कुछ सीडीज मिलेंगी, उसके बाद बुक्स मिलेंगे, इन सब चीजों के थ्रू आप अपने आप को अपडेट कर पाओगे और आगे चल के आप पैसे बना पाओगे। क्या करना होगा, वेरी सिंपल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि किसी के घर का 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 इस तरीके के खर्चे हैं बेसिक चीजों के। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि 5,000 रुपए का आपने प्रोडक्ट इस बार क्या किया, एमबे से रिप्लेस किया, जो प्रोडक्ट आप मार्केट से ले रहे थे। क्या होगा उसके बेस पे, एक छोटा सा आपको कैशबैक मिलेगा लगभग 900 के अराउंड। अब आप प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा और आपको समझ में आया कि इस अपॉर्चुनिटी को लोगों से शेयर करना चाहिए और आपने लोगों को बताना शुरू किया। और आपने क्या किया, 20-25-30-40 लोगों से बात किया, उसमें से 10-9 लोग ऐसे हो गए जिन्होंने कहा कि यस मैं इस बिजनेस को डेवलप करूं। अब यहाँ पे खेल स्टार्ट होता है। मान लेते हैं अभी तक आप अकेले थे, अब ये 9 लोग हो गए, टोटल 10 लोग हो गए। अगर 5,000 का ये लोग भी अपने घर का प्रोडक्ट रिप्लेस करें तो कितने का बिजनेस हो गया, 50,000 का। इसकी बेसिस पे जो आपको यहाँ पे एक एवरेज इनकम बनेगी वो लगभग आपको बनेगी 2,400 रुपए। अगर इसको हम ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 28,000 से 30,000 रुपए की इनकम हम बना सकते हैं, बचा सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए, इतने टाइम से आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या किसी साल आप 28-30 हज़ार रुपये बचा पाए? लेकिन आप यहाँ प्रोडक्ट भी यूज करेंगे और आप ये बचत भी कर सकते हैं। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं हम, मान लेते हैं इन 9 लोगों को समझ में आया कि यार ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इससे तो पैसा भी बनाया जा सकता है और लाइफस्टाइल भी चेंज की जा सकती है। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों से बात किया, मान लेते हैं 6 लोग आ गए, तो अब कितने हो गए, 9×6=54, 54, 9 और 1 आप, टोटल मिला के कितने लोग हुए, 64। अगर 5,000 का बिजनेस किए तो कितने का बिजनेस हो गया, 3,20,000 का। इसके हिसाब से जब आप स्लैब को चेक करोगे तो पता चलेगा कि आप 12% के लेवल पे पहुंचे हो और यहाँ पे जो आपको इनकम बनेगी वो मोटा मोटा बनेगी लगभग आपको 32-33 हज़ार रुपए के आसपास। अगर हम इसको ईयरली काउंट करें तो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास आप इनकम यहाँ पे करोगे। अब आप सोच के देखो, जो भी आप काम कर रहे हो उसको बिना डिस्टर्ब करते हुए आपको एक साइड से 4 लाख रुपए के और साल की इनकम हो तो क्या वो आपको अच्छा फील देगी, अच्छा लगेगा? आप खुद आइडिया लगाएं कि यस मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने जो 54 लोग हुए, इन लोगों ने भी सिर्फ 3-3 लोगों को गाइड किया, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया, टोटल 162। टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे 226 लोग हो गए। 5,000 का बिजनेस किया तो पता चला 11,30,000 का बिजनेस हो गया। मेरा इंटेंशन आपको यही बताने का था कि कैसे 10 लाख का टर्नओवर आप अगर टीम के थ्रू चाहें तो पहुंच सकते हैं। आपका अभी भी कितना टर्नओवर है, जस्ट वही 5,000 जो आप अपने घर के प्रोडक्ट को यूज करते थे बाहर से। आपका टर्नओवर नहीं बढ़ा, आपका पर्सनल टर्नओवर नहीं बढ़ा, लेकिन आप टीम का एडवांटेज लिए, नेटवर्क का एडवांटेज लेना सीख गए, इस वजह से आपका टोटल टर्नओवर 10 लाख से पार चला गया। इसके बेसिस पे जो आपको इनकम बनेगी वो लगभग 1,62,720 इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर आप साल की इनकम करना चाहेंगे देखेंगे तो पता चलेगा लगभग 20 लाख रुपए के आसपास आपको सालाना इनकम मिलेगी। अब आप सोच के देखिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा
अगर आपको पार्ट टाइम में करके ये अपॉर्चुनिटी, ये इतना इनकम आने का चांस हो तो क्या ट्राई करना चाहिए, आप खुद अंदाजा लगाइए। जब आप पहली बार इस लेवल पे पहुंचते हैं तो आप कहलाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर, और जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है, अच्छा पैसा आता है, साथ में आपको दिल्ली बुलाती है कंपनी, वहाँ पे आपको रिकग्नाइज करती है। हम लोग भी जब हुए थे तो वहाँ पे जाके अच्छा खासा ट्रीटमेंट दिया था, 5-स्टार होटल में गए थे, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है बताने को, बट मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ बिजनेस प्लान। ऐसे ही जब आप इस बिजनेस को 3 बार कंटिन्यू करेंगे तो गोल्ड, 6 बार करेंगे प्लेटिनम, और अगर आप 12 बार करेंगे तो आप फाउंडर्स प्लेटिनम, और 6 बार करेंगे तो लगभग आप प्लेटिनम कहलाएंगे। अब क्या होगा, जो आपकी टीम में आए हैं वो भी तो आप बिजनेस ग्रो करना चाहेंगे। एक एवरेज फाउंडर प्लेटिनम की इनकम लगभग 15 लाख। अब टीम में मान लेते हैं कोई एक बंदा 21% पे जाना चाहता है, वो भी 10 लाख का टर्नओवर किया, तो क्या होगा, तब आपको क्या होगा, उसको तो लगभग 1.5 लाख रुपए मिलेगा और आपको उसके टर्नओवर का 6% अलग से लीडरशिप बोनस मिलेगा, जो होगा लगभग 48,000। अगर ऐसे आपने 3 लोगों को सक्सेसफुल करा दिया तो आप इस बिजनेस में कहलाएंगे एमरल्ड, और एक एमरल्ड की जो एवरेज इनकम होती है वो होती है लगभग 45 लाख रुपए के आसपास। अब आप खुद सोच के देखिए, अंदाजा लगाइए, अगर 6 लोगों को आपने सक्सेसफुल करा दिया, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज दिला दिया, उनको प्लेटिनम बनने में सब मदद किया, तो आप यहाँ पे बनेंगे डायमंड, और यहाँ पे जो आपकी इनकम बनेगी वो नियर अबाउट 86 लाख ईयरली। तो इसके ऊपर भी लेवल्स हैं, बट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा था किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को आप समझने का प्रयास करते हैं तो आप ये सारे इनकम को पा सकते हैं। और ये चीजों को अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को अचीव किया है, हमारे ही बीच में अभी हमारी लीडरशिप से आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस लाइफस्टाइल का एंजॉय कर रहे हैं, किस इस पैसे का एंजॉय कर रहे हैं। अब बात आती है एग्जैक्टली मुझे करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अपना साइन अप करना होगा एमवे के साथ, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एमवे डायरेक्ट रिटेलर, जिसके लिए आधार, पैन, बैंक, ईमेल, फोन नंबर के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे बात करेंगे तो आपको और क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं क्या करना है। तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस को क्यों करें। देखिए, मैं तो आपको हाउ बता सकता हूँ, व्हाट बता सकता हूँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई, वो आपका होना चाहिए। 90% व्हाई है। अगर आप अपना रीजन ढूंढ लिए, अपना ड्रीम डिसाइड कर लिए, तो आपके लिए बिजनेस आसान हो जाएगा, ठीक है। और हाउ कितना है, केवल 10%। अब व्हाई कैसे, ये हमारे ड्रीम्स, और ड्रीम्स कैसे हम अचीव प्लान करेंगे, जब हम गुड एसोसिएशन में आएंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे जो अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। और वो कहाँ मिलेगा, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में। जैसे आप यहाँ BWW के बैनर के नीचे बैठे हैं, तो आपको अभी हर तरीके की इनकम करने वाले लोग मिलेंगे, 45 लाख वाले भी मिलेंगे, 15 लाख वाले भी मिलेंगे, 20 लाख वाले भी मिलेंगे। तो उन सबसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। करना क्या है, आपको ऐसे फंक्शंस अटेंड करने हैं जिससे आपका माइंडसेट लेवल चेंज हो, सीखना है। उसके बाद CD स्मार्ट टच का यूज करना है, बुक्स पढ़ने हैं, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है और अपने घर के प्रोडक्ट को चेंज करना है, और आपको लिस्ट बनानी है किसकी, F फॉर फ्रेंड, R फॉर रिलेटिव, A फॉर एक्विटेंसेज, नेबर्स एंड कलीग्स, इन सब की आपको लिस्ट बनानी है। और अगर हाउ के बारे में हम बात करें तो यही आपका हाउ, यही एग्जैक्टली करना है। सिर्फ इसी काम को करके आप अपने सारे ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहने से पहले ये मैं जरूर बोलूंगा कि टेक अ डिसीजन। जब तक आप एक डिसीजन नहीं लेंगे ना, तब तक आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। अपने ड्रीम को होल्ड करके रखिए, डिसीजन लीजिए। जब इतने सारे लोगों के ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं तो जरूर आपके भी सपने पूरे होंगे। तो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू।